नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में बादाम के विषय में कि बादाम दोस्तों किस वजह से बादाम ख़राब हो जाता है, नया बादाम किस वजह से ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैं आप सभी को एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था तो बताया था कि दोस्तों जो बादाम अभी तोड़ा जा रहा है, जो हरा बादाम है उसको सुखाना चाहिए, अगर नहीं सूखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। जो मेरे पास पहले से मैं तोड़ा था, थोड़ा सा तो रख दिए थे, भूल गए थे तो ख़राब हो गया था, सुखाए नहीं थे। तो कैसे ख़राब हुआ हम आप सभी को बताएंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ख़राब हो गया है तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे हम आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। देखिए दोस्तों, खेती बाड़ी संबंधित या फूड संबंधित मेरे भी वीडियो अपलोड को सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों ये वही बादाम है जो आप पहले बताया था कि दोस्तों मेरे पास बादाम था वो ख़राब हो गया, जैसे ये देख रहे हैं अभी, तो इसको तोड़ के निकाला हूँ और इधर और ये है जो कि सबसे ख़राब हुआ है पूरा। दोस्तों ये ख़राब हो गया, ये दोस्तों क्या था, हरा बादाम था, जैसे जो बादाम पक जाता है, जैसे कि सब देख रहे हैं चिटक गया था, यानी पक गया था ऐसा नहीं था, लेकिन इसका जो छिलका था वो हरा था। जब हरा छिलका था तो मैं तोड़ के सब एक डिब्बे में डाल दिया था, फिर उसके बाद ये नहीं चपक गया, पूरे नहीं काला हो गया था, यानी ख़राब हो गया था। तो मैं इसको कम से कम एक हफ्ता लगभग धूप में डाले हैं, तो अब जाके थोड़ा सा सही हुआ है। तो मैं इसको फोड़ के निकाल रहा हूँ, जैसे कि ये निकाला हूँ, कोई खास सही नहीं है, इसका छिलका इधर हो रहा है, ये छिलका फेंकेंगे नहीं, हम इसको गड्ढे में डालेंगे तो 5 बजे से तैयारी हो जाएगी, 5 बहुत अच्छी बनती है इसकी, तो इसको फेंकेंगे नहीं। और ये जो छिलका निकला इसको हम आपको दिखाते हैं फिर कैसे निकल रहा है, ये जैसे कि ये इसको भी हम फोड़ के दिखाते हैं आपको, नहीं दो पीस इसको लेंगे और जो साई है, जो साफ़ सुथरा है उसको भी दिखाते हैं, जैसे कि ये है साफ़ सुथरा बादाम में भी है। अब इसको दोनों फोड़ के हम आपको दिखाएंगे मिक्स दोनों का, जैसे कि ये और ये चारों को हम आपको फोड़ के दिखाते हैं कितना जगह जस्ट कौन निकलता है, ठीक है। ये इस कार को फोड़ के दिखाते हैं, जैसे कि तो दोस्तों देख रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम जो ख़राब हुआ है, ये हरा छिलका में था, इसको सुखाया नहीं था तो ख़राब हो गया, तो इसको फोड़ के दिखाते हैं कितना ख़राब बादाम निकलता है। जैसे अरे दूसरा ये इसमें से दो आरा निकला है, दो कलर का है, ठीक है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं दूसरा वाला, जो ये है जो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सूख गया था पका हुआ, इसको तोड़ा है पेड़ से, ये थोड़ा सा कच्चा था, यानी पका था लेकिन इसका जो छिलका था वो कच्चा था, तो इसे काला निकल रहा है। और ये जो पक गया है पेड़ में सुखवा लिया है इसको, उसको दिखाते हैं फोड़ के इसे, काफ़ी मजबूत होता है, ऐसा नहीं है बादाम काफ़ी मजबूत होता तभी फोड़ता है, नहीं ये इसलिए इसको फोड़ना पड़ता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों ये बिल्कुल सही बादाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब हम मशीन में निकालेंगे तो साफ़ सुथरा आएगा, लेकिन इसका जो हाथ से फड़े इसलिए साफ़ नहीं है, ठीक है ये। और दोस्तों ये वो हला जो ख़राब हुआ था, ये इसका सब अलग रहा, आप देख सकते हैं कि इसका क्या सिस्टम है, यानी ठीक है, ये थोड़ा सी दाग लग गया है इसलिए थोड़ा ख़राब हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, यानी ये दोनों बादाम सही है, ये ख़राब हो गया है, लेकिन हम इसको फेंकेंगे नहीं, जो इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद में दोस्तों को शाम को हम पानी में डाल देते हैं, नहीं शाम को डालो चाहे सुबह डालो, नहीं 8 से 10 घंटा पानी में इसको रखेंगे, उसके बाद फूल जाएगा, इसका चुकला हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो दाना निकल जाएगा, जिससे पानी डालेंगे तो फूल जाएगा, तो मूँगफली करके यानी इसका गूद निकाल जाए, जैसे कि इधर है अभी ये है, जैसे ये जब फूल जाएगा तो इसको इस तरह से हो जाएगा, तो छिलका में उसके बाद इसको निकाल लेंगे, फिर आप चाहे जो करो, चाहे जैसे कि आप हलवा बनाना चाहते हैं या कोई मिठाई में आप डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ख़राब होता है तब, जैसे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं खेती करते हैं बादाम का, तो उसका ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचा आप सभी को बता दूँ कि बहुत लोग खेती अभी कर रहे हैं, बहुत लोग किए हुए तो ख़राब हो जाता है, दोस्तों घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत रहेगा आपको, बाद में धूप में डालना है, धूप में डालने के बाद इसको फोड़ना है, बस ये बिकेगा नहीं, बिकने वाला चीज़ नहीं रहेगा, खाने के लिए रहेगा, इन्हें फेंकने से अच्छा कि खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये था बादाम, और बादाम अगर आपको कोई चीज़ का जानकारी देना है तो इससे मुझे अगर दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी जरूर बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो कैसे लगा मुझे बताया, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।